मेरे प्यारे भाइयों और मेरे अजीज़ दोस्तों, बावा बेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि बहुत वक्त के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। भाई, रमज़ान आ गया था तो रमज़ान में तो सवाल नहीं उठता कि कोई वीडियो डालूँ। तो भाई, ऐसा है कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये बारिश का सीज़न चल रहा है, तो बारिश के सीज़न में जो जो मसले आते हैं, जो जो तकलीफ़ें आती है, जो लोग झेल रहे हैं, तो वो तकलीफ़ से कैसे छुटकारा पाए, ये उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई, सबसे फर्स्ट थिंग ये करना है कि भाई, बकरा अगर हम कोबा वगैरह पे रखते हैं, मिट्टी कोबा कहीं पे रखते हैं, तो भाई आदमी ये सोचता है कि भाई कोबा मेरा सूखा है या मिट्टी है, मिट्टी मेरी सूखी, ऊपर छत है। तो भाई ये गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि भाई क्या होता है, बारिश हो रही है, जहाँ पर आपका कोबा है या जहाँ पर आपकी मिट्टी है, उससे कहीं थोड़ी दूर पे भी अगर बारिश का पानी गिर रहा है, तो वो मिट्टी जो होती है वो जब्स कर लेती है पानी को और ठंडक नीचे से फेंकती है। ठीक है, तो बकरे लोग को, जब बकरे बैठते हैं, तो उनको मतलब सर्दी बुखार जो पकड़ती है वो सीने से पकड़ती है, कफ वगैरह होता है वो सीने से होता है। तो भाई सबसे फर्स्ट थिंग ये करना है हमको कि हमको ना नीचे कुछ लकड़ा बिछा देना है। कपड़ा उपड़ा बिछाने की गलती नहीं करना भाई। बहुत सारे लोग हैं हमारे भाई लोग, बोले भाई नीचे की ज़मीन ठंडी है, कपड़ा बिछा दो। भाई बकरा उसके ऊपर मूतेगा, वो भी हिस्सा गिल्ला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। भाई पायलट होता है, पायलट डाल दो, जो ट्रांसपोर्ट वाले लोग इस्तेमाल करते, जो पैकिंग वगैरह में इस्तेमाल होती मशीनरी में, तो वो डाल दो, या तो फिर लकड़ा डाल दो नीचे, कुछ भी सेफ्टी के हिसाब से, ताकि मतलब बकरे को ठंडक ना लगे। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ भाई, धुनी करो। धुनी के अंदर क्या हो गया, एक घमेला ले लो, लोखंड का घमेला, जो सीमेंट वगैरह में इस्तेमाल होता है, जो घमेला जो बांधकाम करने में, सीमेंट वीमेंट डालने में इस्तेमाल होता है, वो घमेला ले लो। घमेला लेने के बाद में क्या करो भाई, उसके अंदर कोई भी फर्नीचर वाले के पास जाओ, फर्नीचर वाले के पास में भूसा मिलेगा, जो वेस्टेज होता है, जो खुरचन होता है, जो रंधा मारने के बाद में खुरचन निकलती है, वो चीज़ उसको डालो। डालने के बाद में गोबर ले लो, कहीं तबेला वगैरह में गोबर मिलता ही है, गोबर ले लो, गोबर डाल दो उसके अंदर, मिक्सअप कर दो, अजवाइन डाल दो, थोड़ा नीम की पत्ती डाल दो, जो आपको फूल की दुकान में मिल जाएगा, या नॉर्मल नीम के झाड़ से कहीं से भी उखाड़ सकते हो, वहाँ से लेकर डाल दो। भाई इससे क्या होगा कि धुनी जलाने की वजह ये है कि भाई सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि इनहेल करते हैं बकरे, जब धुआं होता है बकरा इनहेल करता है। इनहेल करने से क्या होता है कि भाई उसको गर्माहट मिल रही है, इंटरनल जो उसका पाइपलाइन है, जो सांस लेने की पाइपलाइन है, वो क्लियर होती है अजवाइन की वजह से, गोबर से, ये सब चीज़ों से। इनहेल मतलब नेचुरली बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। क्या होता है कि बकरा बारिश पानी के टाइम पे अगर पानी वगैरह ज़्यादा पी ले या गिल्ला चारा खा ले, तो उसको सर्दी कफ की तकलीफ हो जाती है। ठीक है, और हम लोग ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है भाई, सर्दी और खांसी। आप लोग सोचते हो कि भाई सिर्फ सर्दी खांसी हो रही, भाई सर्दी खांसी मेन मसला नहीं है, वो तो दवा खा के भी बकरा सही हो जाएगा। हमको सेफ्टी क्यों रखना है, बकरा इतनी नज़दीक आ रही है, हमारा बकरा 100 किलो का पड़ गया, अगर सर्दी पकड़ ली बारिश पानी के टाइम पे, तो बकरा तुम्हारा 100 किलो का डायरेक्ट 60 किलो पे आ जाएगा। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है, वेट कम हो रहा है, वेट लूज़ हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं वेट बढ़ाने के लिए, वेट गेन करने के लिए। तो ये धुनी वगैरह दोगे भाई, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। इसके अंदर तीसरी चीज़ ये है कि भाई, धुनी देने से एक और एक फ़ायदा ये होता है कि भाई, मक्खी और मच्छर ये दोनों चीज़ें होती है। तुम कितना भी अंदर रखो, तुम फैन चालू रखो, तुम एग्जॉस्ट फैन चालू रखो, कुछ भी करो, तुम धुआं दोगे भाई, इंशाल्लाह इससे क्या होगा, मक्खी नहीं आएगी और मच्छर नहीं होगे। मच्छर तो ऐसा है कि मच्छर ज़्यादा नहीं मिलेंगे तुम्हारे को, मगर मक्खियाँ मिलेगी। मक्खी क्या करेगी, मक्खी जानवर के ऊपर बैठेगी, जानवर क्या करेगा, फिर खाना पीना छोड़ देगा, क्योंकि मक्खी क्या करती, परेशान इरिटेट करती। हम भी कभी कोई कचरे वचरे की साइड से गए, अगर मक्खी कभी आ गई तो हम लोग को कितना परेशान करती है मक्खी। तो उस तरह से, क्योंकि जानवर को क्या होता है, बॉडी के ऊपर पेशाब वगैरह लगी होती, गंदगी लगी होती, मक्खी बैठना लाजिम है, तो हमको मक्खियों को भगाना है। ठीक है, दूसरा ये है कि भाई उनके बॉडी के ऊपर आपको लग रहा है कि भाई मक्खी भाग रही है, मगर बकरे की बॉडी के ऊपर बैठ रही है, वैसे कम हो जाएगी धुआं देने से। अगर मक्खी बॉडी से हटाना है, तो भाई सबसे फर्स्ट थिंग ये करना है कि हमको फिनेल, ठीक है, पानी के अंदर फिनेल डालो। नॉर्मली आदमी सोचता है कि भाई फिनेल मार के मैं मक्खी भगाता हूँ, तो सिर्फ फिनेल नहीं भाई, फिनेल और कपूर की गोली, जो हम लोग कपड़े में कबर्ड वगैरह में डालते, जो बड़ी वाली खुशबू वाली गोली आती कपूर की, उसको पाउडर कर लो, उसको फिनेल की 1 लीटर की बोतल के अंदर थोड़ा सा फिनेल डाल दो, पानी के अंदर फिनेल डाल दो, उसके अंदर ये कपूर की गोली पाउडर करके डाल दो, इसको क्या करो, थोड़ा थोड़ा हाथ पे ले लो, बकरी की बॉडी के ऊपर लगा दो। इससे क्या होगा, मक्खी जो है अगर धुएं से भाग के बकरे के ऊपर भी बैठती है, तो फिनेल बॉडी पे लगाने से, वो जो कपूर की गोली और फिनेल का जो ये बना रहे लिक्विड अपन, ये बॉडी पे लगाने से मक्खी इनकी बॉडी के ऊपर नहीं बैठेगी। वैसे बहुत सारे लोग हैं, धूप अगरबत्ती भी लगाते हैं धुआं करके मक्खी भगाने के लिए, मगर उससे इतना मतलब इफेक्ट नहीं होता है। तो भाई हमको ये चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि भाई धुआं दोगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। और ये है कि भाई गिल्ला रात के टाइम पे पानी वगैरह ना दें, क्योंकि रात में अगर आप पानी दोगे तो बकरे लोग को क्या होता है, ठंडे क्लाइमेट के अंदर वो चीज़ें प्रॉब्लम होना चालू हो जाती, कफ बनना चालू हो जाता है। तो भाई हमको कफ से दूर रखना है बकरे को। ठीक है, अजवाइन थोड़ा सा खिला दो बकरे को, राई का तेल इस्तेमाल करो, राई का तेल सर पे माथे के दोनों सिंग के बीच में डाल दो, नाक में दो दो ड्रॉप डाल दो, पिला दो थोड़ा 2 ml तेल, सीने पे लगा दो तेल राई का, गर्माहट दो,
बकरे को हमारा मकसद ये है कि गर्माहट देना। भाई गर्माहट दोगे अगर तुम्हारा जानवर 100 किलो का है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे क्या होगा भाई, तुम्हारा बकरा लूज नहीं करेगा वेट, समझ रहे। जैसा नॉर्मल है आप लोग कोशिश में, हर आदमी अभी कोशिश में कि भाई बकरा इतना के मेरा बकरा एटलीस्ट 10 से 15 किलो वेट तो और ले, ठीक है, हर आदमी यही कोशिश में। तो भाई ये चीज़ करो, बकरों को इस वजह से ध्यान देना है हमको, समझ रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फीड खिलाने की कोशिश करो, गिल्ले वैसे भी तो पत्ते मिलेगी नहीं बारिश के मौसम में, तो गिल्ला फीड खिलाने की ज़रूरत नहीं है। गिल्ले फीड की जगह वो अगर ग्रीन देना है तो ग्रीन में आप हरी पत्ती दे सकते हो, ठीक है। तो भाई इसके बाद वाला जो वीडियो है वो मैंने सिंक के ऊपर एक वीडियो बना के रेडी रखा हूँ, रमज़ान से पहले ही रखा था, बट अपलोड नहीं कर पाया, तो वो भी मैं इसके बाद में इंशाल्लाह डाल दूंगा। तो उसके अंदर मैंने ये बताया हूँ कि बकरे की सिंग की ग्रोथ कैसे करें, सिंग मजबूत कैसे रखें, ठीक है, और सिंग का शेप वगैरह ख़राब होता है, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा हूँ, तो वो इंशाल्लाह मैं इसके बाद में डालूंगा। और बहुत सारे भाई लोग हमारे जो बकरे लड़ाते वड़ाते हैं, फाइट वगैरह करवाते, तो भाई सबसे पहली बात तो ये, मेहरबानी करके लड़ाई वड़ाई ना करें, क्योंकि समझदार है, कोई बच्चा तो है नहीं कि बच्चे लोग ही भाई बकरा इतने टाइम पर लड़ाते हैं कि भाई मेरा बकरा लड़ गया करके, तो बच्चे लोग हैं भाई, हम बड़े हैं, हमको नहीं करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सेकेंड वीडियो देख लो, थर्ड वीडियो की तैयारी चल रही है, इंशाल्लाह भाई इसके बाद मैं नेक्स्ट बैक टू बैक डालते रहूँगा, कोशिश करूँगा, आप लोगों का साथ चाहिए भाई। वैसे पूरा महीना छोड़ दिया, मैंने सोचा था मतलब भाई सब्सक्राइबर भी मेरे बहुत बढ़ जाएंगे, व्यूज़ भी मेरे बढ़ जाएंगे, मगर भाई जितना छोड़ा था उतना ही अभी तक के, मतलब भाई लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, तो भाई आप लोग ध्यान दोगे तो मैं ध्यान दूंगा। वैसे बहुत सारी चीज़ें रखा हूँ अंदर, मगर जब तक के भाई मेरे को सामने से प्यार नहीं मिलेगा तो मैं अपने पत्ते खोलूँगा नहीं, समझ रहे, क्योंकि मैं अपना हुनर शेयर कर रहा हूँ, मेरे को इससे कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, मैं अपना और हुनर शेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोगों को इंटरेस्ट है वो आदमी मेरे से कोई चीज़ सीखे, और वो चीज़ सीख के दूसरे को भी बताए और ख़ुद भी करे, ठीक है। तो अभी जो जो चीज़ें बता रहा हूँ भाई, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ हाई फंडा चीज़ें बता रहा नहीं हूँ। बहुत सारे भाई लोग मतलब अपने को पूछते कि भाई ये चीज़, तो जो पर्सनल मुझसे पूछ रहे हैं उनको मैं पर्सनली बता दे रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। जो भाई लोग मेरे से पूछे हुए पर्सनल, उनको आइडिया हो रही रहेगी मेरी बातें सुन के कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो भाई आप लोगों का प्यार रहेगा, मेरे को सपोर्ट मिलेगा, तो फिर मैं करने के लिए कुछ भी नहीं भाई, मैं फिर बिंदास आगे बढ़ के हर काम करूँगा। तो भाई सपोर्ट करोगे तो आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर बहुत से बहुत थोड़े दिन तक के चैनल चलेगा, उसके बाद में बंद हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं भी वहाँ मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, इसके पीछे। तो मैं फालतू का मेहनत करके कोई मतलब नहीं है ना भाई, ये बेवकूफ़ी है इसका मतलब, समझ रहे। आप लोगों का प्यार मिलेगा इंशाल्लाह, तो भाई अपन करेंगे, बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ रखा हूँ, बहुत कुछ संभाल के रखा हूँ कि भाई हमारे भाई लोग को बताऊँ जो बकरेबाजी में उतरे, और जिनको मिलना है मुझसे तो भाई वो आके मुझसे मिल सकते हैं। और वीडियो के एंड में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भाई लोग को मुझसे बात करना है, कॉन्टैक्ट करना है तो वो करें। और अननोन नंबर का मसला ऐसा है कि भाई मेरे को कॉल्स बहुत आ रहे थे, तो मैं अननोन नंबर जल्दी उठा रहा नहीं हूँ। अगर आप लोगों को कुछ मुझसे ज़्यादा पर्सनल काम है तो भाई कॉल करने से पहले आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, या नॉर्मल वाला मैसेज करें, आप SMS करें मुझे कि भाई मुझे अर्जेंट काम है, ठीक है, आपका मसला बता दीजिए, आपका नाम बता दीजिए, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं।